पूर्व मंत्री एवं एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जीतू पटवारी ने ट्वीट को लेकर उनके ऊपर हुई एफआईआर पर जवाब दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम विपक्ष में हैं और जनता की आवाज़ उठाना हमारा काम है। सरकार अपने काम की जवाबदारी ले और जनता को जवाब दे। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा उपवास किए जाने के सवाल पर उठाए जवाब देते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कार्यकर्ताओं को और खासकर तंत्र को एहसास होना चाहिए कि विपक्ष जो बात करता है, अगर वो जनता की आवाज के रूप में करता है, अगर इस तरह की ओछी और छोटी हरकतें ये करते रहेंगे तो जल्दी हम तो उनका स्वागत करेंगे। जल्दी जनता को समझ में आ रहा है कि ये लोग किस तरह के हैं। देश 6 साल में अर्थव्यवस्था मौत के गाल में चली गई और उसके बाद अगर सवाल करते हैं तो ये कहते हैं ये गलत है। ये टिप्पणी इंदिरा जी पे करते हैं इनके नेता, तब इनको कहाँ सम्मान अपमान राजद्रोह देशद्रोह नहीं दिखता है। वो भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो सारे ऊपर से के नीचे तक के नेताओं से हमने 15 लोगों की एफआईआर कराई इंदौर में। कारण को इस तरह की बात करना, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना, जो बातें आपको करना चाहिए, किसानों का कर्जा खा गए ये लोग, जो कर्जा माफ करना था उसको खाने वाले अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर बिजली के कनेक्शन में बढ़े हुए बिजली के बिल एक घर से किसी का जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है, उसके नियत में जा रहा है, उसकी सोच में जा रहा है। ये लोग जो वो आर्थिक रूप से परेशान करना, लोगों की व्यथा को आगे बढ़ाना और फिर उस पर काम नहीं करना, तो इस तरीके से ध्यान डाइवर्ट करना इनकी इनकी रणनीति का हिस्सा है और इसका हम विरोध करते रहेंगे।